होली के दिन पैसे मिलने चाहिए, होली के दिन हम पैसे लेके आए हैं 1 लाख के करीब। हेलो एवरीवन, ये बहुत रैंडम व्लॉग बन रहा है। हेलो एवरीवन, और इट्स नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल बट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेस। गोइंग टू क्लास। हैप्पी होली टू एवरी वन जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और जब मैं आई थी मतलब क्लास में, क्योंकि मैं लेट हो रही थी तो मैंने कॉफ़ी ली थी, क्योंकि मुझे मैंने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मैंने कॉफ़ी ली थी। फिर मेरे को जल्दी जाना था क्लास में, और अभी 10 मिनट का ब्रेक मिला है। इसके बाद मेरा टेस्ट है, मतलब इट्स लाइक अ सिंपल टेस्ट जो डिक्टेशन होता है हमारा, हर मतलब हमें दिया जाता है पहले से लर्न करने के लिए, फिर मैम ने अभी हमें करवाया है याद, और अब उसका डिक्टेशन होगा। तो ये मैं आपको थोड़ा अपडेट दे रही थी, और अब मैं जा रही हूँ क्लास में लर्न करने। एक सौ दस गिनती लिखनी है। ये हमारा दूसरा ब्रेक है, हम क्लास में जा रहे हैं वॉशरूम से होकर। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ आज मेरा होली का ऐसा कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि मेरे पास कलर्स तो है नहीं। तो मैंने सोचा है कि आज मैं खीर बनाऊंगी जो मम्मी ने मुझे पार्सल में भेजी थी, तो मैं वो वाली खीर बनाऊंगी, और मे भी सांभर और इडली भी बना सकती हूँ, या फिर पूरी और आलू की सब्जी भी बना सकती हूँ। लेकिन खीर जरूर बनाऊंगी, क्योंकि मेरा खीर बनाने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि आज तो फेस्टिवल है। और पता है एक चीज़ बोलूँ, जब आप मेरी पहली होली है जब मैं अपने फैमिली से बहुत दूर हूँ, और जब आप फैमिली से दूर होते हो ना, तो आपको पता चलता है कि कितना अहमियत होती है फेस्टिवल्स की। और यहाँ पे किसी को पता नहीं है मैं क्लास में आई हूँ। सोचो जहाँ इंडिया में छुट्टी है आज के दिन, वहाँ मैं अपनी क्लास ले रही हूँ। सो बैड बट ओके, कोई बात नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रही हूँ, बिल्कुल वाइट वाइट में, और सब लोग बिल्कुल न्यूड कलर में। Your turn. हमारा लास्ट ब्रेक है, इसके बाद फिर ब्रेक नहीं होगा, उस पर हम घर चल जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। और आज का मौसम इतना अजीब सा है, पता नहीं क्यों। सी दिस वेदर। आज मंडे है, तो हमारी मंडे और ट्यूसडे सेम टीचर रहती है, वेडनेसडे को हमारे सर होते हैं, फिर थर्सडे को एक न्यू टीचर होती है, और फ्राइडे को भी एक न्यू टीचर होती हैं। जो फ्राइडे वाली टीचर है वो बहुत ज़्यादा यंग है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ना, मेरा कोई डिनर या मतलब फूड जो है ना, हम लिटरली जब हम क्लास ख़त्म होती है तो हमारा वो लंच भी हो जाता है और वो डिनर भी हो जाता है, वो दोनों चीज़ हो जाती है। तो ऐसा हम कुछ लंच नहीं करते हैं। और अभी मैं जाऊँगी मार्ट। मैं हमेशा ये वाली चॉकलेट लेती हूँ, और कुछ ऑप्शन है ही नहीं, देखती हूँ और कुछ मिले तो।
पे प्रिंगल्स हैं। वैसे मुझे इतनी भूख नहीं लग रही, मैं चॉकलेट खाने का मन कर रहा, मैं हमेशा वही ले जाती हूँ और अभी भी मैं वही लेने जा रही हूँ। मेरे पास ना इतने सारे चिल्लर रहते हैं यार, हमेशा चिल्लर, इतने सारे चिल्लर हैं, 500, 600, 700 बिकॉज ये 1700 की है। आपको टीचर्स के बारे में बता रही थी कि जो मंडे ट्यूसडे सेम टीचर होती है और जो सारे दिन अलग अलग टीचर होते हैं, लेकिन जो मंडे ट्यूसडे वाली टीचर होती है वो बहुत क्यूट लगती है, छोटी सी है और सबको इतना अच्छी, तो उनका पढ़ाया हुआ सब समझ आ जाता है, मतलब सबका ही समझ आता है, सारे टीचर अच्छे हैं, सब स्वीटली बात करते हैं, बट ये वाली जो टीचर है बहुत अच्छी तरह से बात करती है। अभी मैं जाऊँगी, मुझे इंश्योरेंस पे करना, अपना मेडिकल इंश्योरेंस मैंने पे नहीं किया, हम डाल रहे थे तब हमें पे करने जाना है आज मुझे मेडिकल में, और यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है क्योंकि बारिश हुई है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अभी मेडिकल इंश्योरेंस पे करने आना मुझे इसी बिल्डिंग में, तो अभी पहले मैं पैसे लेके आऊँगी क्योंकि पैसे ऊपर ही रखे हैं रूम में, तो रूम से पैसे लेके आएंगे, उसके बाद जाके हम मेडिकल इंश्योरेंस पे करेंगे। माला माल सोनी है। ओके, मैं पैसे ले आई हूँ, इट्स अराउंड 77,600 कोरियन बॉन्ड जो मुझे पे करने हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस। होली के दिन पैसे मिलने चाहिए, होली के दिन हम पैसे दे के आए हैं, पर एक तरह से वो हमारे पैसे भी नहीं है, पर तब भी पैसे जब जाते हैं तो दुख बहुत होता है। और मैंने 1,00,000 के करीब, मतलब 1,00,000 भी नहीं कह रहा, 77,000 के करीब पे किया है, वो तो हो रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं, होता है। अब हम ढूंढेंगे अपने खीर का पैकेट। एग्जिट नो, ये सांभर, ये भी 7 खीर, अब हम बनाएंगे इसको। आज मौसम इतना ठंडा है क्योंकि बारिश पड़ रही है, और हम लेने जा रहे हैं दूध क्योंकि हमारे पास दूध ही नहीं था। इतनी बारिश में भी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, तो लोग हैं। I'm so good at भूलने में, मैं अपना दूध ही भूल गया, मैं दूध वापस लेने जा रही हूँ रूम पे। ये सारी चीज़ें और मिल्क, वैसे चीनी डालने की जरूरत नहीं है, बट मुझे नहीं पता कितना मीठा होगा इसमें, क्योंकि इसमें लिखा है कि चीनी का कुछ लिखा नहीं है, तो शायद चीनी डालने की जरूरत नहीं है। पाउडर में से बहुत इलायची वाली खुशबू आ रही है, बहुत It's like 7, kind of 7, yeah. सभी कह लो, खीर कह लो, कुछ भी कह लो। जरा
तो बन चुके हैं, मैं जा रही हूँ भारतीय दीदी को और जो हमारे सीनियर हैं उनको देने, जो भी इंडियन गर्ल्स यहाँ पे रहती हैं उन सबको देने। Let's go. जा रही हूँ देखने सब लोगों के गेटों पे। मैंने इडली बनाई है इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं दूसरा पेस्ट बनाया, मैं पहले ट्राई कर रही थी कि बनेगा नहीं बनेगा, बट इट वर्क। मुझे लगा कि माइक्रोवेव में नहीं बनेगा, बट मैंने माइक्रोवेव में कोशिश करी इसे बनाने की और ये बन गया। मुझे लगा स्टीम करना पड़ेगा क्योंकि पीछे पैकेट में लिखा था कि स्टीम करने का, बट माइक्रोवेव का ऑप्शन नहीं था। खीर में था माइक्रोवेव का ऑप्शन, बट इसमें नहीं था। और अब मैं बना रही हूँ दूसरा। अब मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी क्योंकि शेप से क्या फ़र्क पड़ता है, खाना ही तो है। तो इसलिए मेरी ये वाली तो बन गई, बहुत बड़ी बनी है। अब मैं इसमें पूरा ऐसे लाइक पानी से करके डाल के फिर मैं माइक्रोवेव में डालूँगी और देखना। ये इस बार थोड़ा बैटर पतला हो गया है, बट पता नहीं ये वाला वर्क करेगा नहीं करेगा। ये तो कर गया बहुत अच्छी तरीके से। ओके, माय बैटर इज़ रेडी। और अब मैं इसे माइक्रोवेव में रखूँगी। ज्यादा बन गया, मुझे लग रहा है लगता बनेगा ही नहीं। Can see it clearly or not? And it's done. This looks delicious.